हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जिसे कि हम ब्रेड रोल कहते हैं, लेकिन मैं उसे फ्राई नहीं करूँगी, उसे एक सिंपल वे से बनाऊँगी। तो हमने पूरे आलू लिए, उसमें जो बेसिक मसाले धनिया और ये सब आमचूर वगैरह डाल के उसे हमने रेडी कर लिया। ये हमने एक ब्रेड की स्लाइस ली है। ब्रेड की स्लाइस को थोड़ा सा मैंने गिल्ला किया और उसके अंदर मैंने आलू को पहले रखा, फिर मैंने उसके ऊपर मैश कर दिया। मैं दो तरीके से बनाऊँगी, आप देखना बड़े ध्यान से। एक मैंने ब्रेड की छोटी छोटी स्लाइसेस की हैं, जैसे हम ब्रेड रोल करते हैं उसी तरह से मैंने ब्रेड को गिल्ला किया और उसके अंदर आलू लगाकर, लेकिन मैंने उसे शेप जो दी है वो राउंड शेप दिया है, क्योंकि मैं इसे अप स्टैंड में बनाने जा रही हूँ। मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे रोस्ट करूँगी एक तरह से, जो कि थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे। फ्राई चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है इसलिए। तो मैंने इसे राउंड शेप दी है ताकि आप स्टैंड में आ जाए। तो जो हमारे ये मोटे वाले जो उसके किनारे होते हैं, वैसे तो ये क्रिस्पी होने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप इसे रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। तो मैंने दो तरह से रेडी किए हैं और मैंने कुछ इसकी बॉल्स बना के रखी हैं। तो हम ये आप स्टैंड में ऑयल ले रहे हैं और उसके ऊपर मैं राई डालूंगी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इन बॉल्स को उसके अंदर डालूंगी। ये टेस्ट में सच बताऊँ तो मैंने जब टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी हद तक ब्रेड रोल जैसा ही टेस्ट था। और लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि वो फ्राइड नहीं था, तो फ्राइड ना होने की वजह से वो हेल्दी हो गया, तो टेस्ट खाने में अच्छा था और टेस्ट बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो ये अब हम जब मैंने इसमें ये सारी सरसों डाली, उसके अंदर मैंने बॉल्स डाली। ये बॉल्स ना थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो मैंने इसी वजह से पहले कम बनाई थी, तो जो बाकी के मेरे बाकी जो बैटर था उसकी मैंने बॉल्स थोड़ी छोटी बनाई थी। फिर अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढक के रख देंगे। और मैंने फिर से दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाया, क्योंकि अब इसकी साइज़ चेंज करनी थी। जब इसकी बॉल्स बड़ी होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसका साइज़ वो पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये आप देख सकते हो लुक वाइज काफ़ी क्रिस्पी से बने हैं, बिल्कुल रोस्ट, अच्छे से रोस्ट कर लिया है मैंने ब्रेड और आलू को। आप चाहे तो इसकी फिलिंग चेंज भी कर सकते हो, मैंने आलू की फिलिंग ली है क्योंकि मेरे घर में आलू ही पसंद किए जाते हैं। तो आप गाजर, कॉर्न्स, कैप्सिकम, अनियंस, कुछ भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें फिलिंग आप चेंज कर सकते हो। तो बाकी मैंने जो बचा हुआ हमारे मोल्ड थे उसमें मैंने वही सेम ऑयल और सरसों डाली। आप चाहे तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, लेकिन वो ब्रेड रोल का टेस्ट नहीं आएगा, तो मैंने इसीलिए इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें ही डाली हैं। तो इस बार मैंने, आप देख सकते हो कि बॉल्स है जो वो थोड़ी सी कम डाली हैं। तो वैसे आप स्टैंड में हम एक ही साइड पे रोस्ट करते हैं, लेकिन मैंने इसको दोनों साइड से रोस्ट किया है, अच्छे से रोस्ट किया है, क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ब्रेड रोल का टेस्ट आए इसलिए। तो ये मैंने इस तरह से सारी, आप देख सकते हो कि बॉल्स चेंज कर दी हैं। बहुत ही अच्छा ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बहुत लाइट वेट बने थे। और ये जो मैंने छोटी बॉल्स बनाई थी ना, इनको निकालने में भी बहुत ईजी हो रहा था, बल्कि जो दूसरी निकाली थी वो इतनी वो नहीं थी। तो आप मुझे टेस्ट बना के, टेस्ट करके ज़रूर बताना आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। आज हमने ये बहुत ही टेम्पटिंग से जो हमारे ब्रेड रोल हैं उन्हें हमने एक अलग डिफरेंट स्टाइल से बनाया। ये फ्राइड भी नहीं है और हेल्दी भी है, तो आप इसमें फिलिंग चेंज कर सकते हो। आप पनीर की फिलिंग डाल सकते हो, अनियन, कैप्सिकम, गाजर की फिलिंग डाल सकते हो, आप डिफरेंट तरह से फिलिंग भी बना सकते हो। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बनाना। थैंक यू।